क्या बात है भाई, ओह माय गॉड गाइस, ओह माय गॉड, एंड देन गाइस अभी हम जाएंगे भाई साहब फिर मैंने सोचा था यार भाई भाई भी तगड़ा सा रहा यार। ओके सो गाइस, तो कैसे हो आप लोग, तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड इसी के साथ में गाइस आज हम जा रहे हैं एक छोटी सी राइड माने जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस आज हम जाएंगे अपने शहर कुल्लू में। जैसे कि आप लोगों को बताया मैं रहता हूँ कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, एंड काफ़ी दिनों से लोग बोल रहे हैं संजय भाई आप लोगों की इंस्टाग्राम वाली वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि हम कोई टिकटॉक वाला कंटेंट इंस्टाग्राम पर नहीं डालते हैं, हम डालते हैं ओनली कंटेंट, ठीक है। कंटेंट समझते हो, कंटेंट होता है एक वीडियो जिसमें नाच गाना नहीं होता है, जो जैसा कि एक रियल लाइफ का मोटो ब्लॉग होता है ना, वैसा कंटेंट हम डालते हैं जिसमें दिखाते हैं कि हम बाइक को कैसे चलाते हैं, स्किल्स कितनी है, एंड कोई हम टिकटॉक वाला स्टाइल नहीं करते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो गाइस चलिए गाइस, तो इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं, आई होप सो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए। तो चलिए गाइस 1 2 3 अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 2:24, एंड देन गाइस अभी हम जाएंगे भाई साहब कुल्लू की तरफ। इट इज़ बिकॉज आज आप लोगों को ब्लॉग देखने का मन कर रहा होगा, इसलिए गाइस आज हमारा भाई डाल रहा है इस ब्लॉग को। तो भाई मैं अभी शॉर्ट्स में निकला हूँ यार, आप लोग देख सकते हो जहाँ तक आइडिया है। भाई मेरे पिछले टायर में हवा बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है अभी, कुल्लू अर्बन ढावा। यहाँ से चेक करो यार कितना ज़्यादा प्यारा सा नज़ारा है गाइस। तो फाइनली अभी हम यहाँ पे कुल्लू पहुँच चुके हैं, दिस इज़ हमारा कुल्लू कॉलेज। अगेन यहाँ से भाई साहब यहाँ से केलोंग है 110 किलोमीटर, एंड ले है गाइस यहाँ से ऑलमोस्ट 466 किलोमीटर। ओ भाई ये वाला कर्विंग मोड भी यार बहुत ज़्यादा डरावना सा है, क्या बात है भाई। यहाँ पे कुल्लू का नज़ारा चेक करो यार, आई थिंक सो आज यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी जहाँ तक आइडिया मुझे लग रहा है। भाई काफ़ी ज़्यादा जंप थे यार वहाँ पे, स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए थे वहाँ पे। क्या बात है भाई, लड़कियां तो ऐसे देख रही है ना अलग ही लेवल पर। चलो भाई तो यहाँ पे हमारे सामने जा रहे हैं अरवन भाई। भाई भाई हो गया तो सीन यहाँ पे। पहले मैंने सोचा था यार रोडू से बाबा वाले के साथ मैं भी जाऊंगा राइड करने, बट गाइस मैं उस समय बिजी था। फिर गाइस वो मंजुल भाई आए थे ना, तो फिर मैंने सोचा था यार भाई भाई भी तगड़ा सा रहा यार, क्या बात है भाई। आई हेट यार पॉल्यूशन। वो रोड से बाबा है ना गाइस, वो वहाँ पे आए टॉर्च वगैरह थे, फिर देन उसके बाद वो चले गए वापस। फिर नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे तो भाई उनके साथ भी राइड करेंगे हम, ऐसी बात तो है नहीं। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे ढालपुर में, एंड गाइस आप लोग देख लेना यार क्लिप डाल दूँगा मैं। अंकल जी भाई कुल्लू तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जोशील है। अबे भाई बंदे आई डोंट नो यार क्या सोच के चलते हैं यहाँ पे। तो भाई कुल्लू की भी बात कुछ अलग सी है, एंड यहाँ पे गाइस यहाँ पे चलान वाला कैमरा है ना, फिर मैंने सोचा चलो यार कोई बात नहीं यहाँ से आराम से चलेंगे। तो
भाई जहाँ से अब कैमरे तो होंगे नहीं ज़्यादा। आज की राइड तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अगर आप लोगों को रोड से वापा की क्लिप देखनी है तो मैं डाल दूंगा यार, नीचू भाई मेरे को भेज देगा ना, सो देन मैं डाल दूंगा। तो भाई क्या बात है, क्या बात है भाई, ओ ओ माय गॉड गाइस, सेकंड टाइम हुआ था भाई पुलिस वाले यार, सेकंड टाइम यार। आगे से गाइस यहाँ पे फायर ब्रिगेड आई हुई है, आई डोंट नो भाई कहाँ पे आग लगी हुई थी, एक और फायर ब्रिगेड यार, आई होप सो सब कुछ सही सलामत होगा अभी। क्या बात है भाई, एंड गाइस मैंने अभी पोचा नहीं था भाई, क्या बात है। एंड गाइस ये वाला इलाका तो आप लोगों को पता है गाइस, मेरे दोस्त का यहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था भाई, ऑलमोस्ट भाई मेरे मतलब कि जो अभिषेक है ना भाई, उसका एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का, पीछे से एक बंदे ने ठोक दी थी भाई, फिर देन वो भी दूसरा वाला बंदा भी भाई अपना ही दोस्त निकला, ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर हो गया कॉम्प्रोमाइज। ओ माय गॉड, क्या हुआ, भाई इंजन सीज ना हो जाए भाई का, बाकी तो ठीक है। आगे क्या हुआ भाई, पानी निकल गया यार आंखों से, व्हाट इज दिस ब्रो, अच्छा रोड बन रहा है, कुछ चीजें ऐसी होती है ना गाइस जिसको ओनली देखने का ही मजा लेना चाहिए। ये रुकती भी नहीं एक तो, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। गाय 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 हमारी माता है तो इनके साथ टेंशन नहीं लेनी भाई। तो गाइस यहाँ से चेक करो यार कितना ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो गाइस यहाँ एक गुरुद्वारा है ना, उसका कोई फंक्शन होगा, वो देन उसकी सजावट के लिए किया गया है। क्या बात है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सोच लो यार तुम्हारे भाई का स्वागत हो रहा है कुछ ऐसा। यस आगे जाए भाई साहब, ऐसे यहाँ पे कारपेट के ऊपर बाइक चला के एंड होगा कभी देखेंगे, अगर होगा तो ज़्यादा ही अच्छी बात है। आई होप सो गाइस आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ जाके लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में, अब तक के लिए टिल देन बाय, सायोनारा।